हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज बनाने जा रही हूँ एक ऐसी डिजाइन जिसको आप लेडीज कार्डिगन बेबी स्वेटर में डाल सकते हैं। और देखिए, इसमें मैंने दो कलर लिए हैं। बेस कलर मैंने वाइट रखा है और भरने के लिए मैंने ये ग्रीन लिया है। और इसमें मैंने 7 के मल्टीपल में फंदे लिए हैं। दो रो मैंने बना ली, इधर से उल्टी और इधर से भी उल्टी। आप देखिए, यहाँ से एक फंदा मैं उतारूंगी, उसके बाद देखिए 2, 3, 4, 5, 6, ये देखिए 6 फंदे मैंने सीधे बुने, वूल को ऐसे किया। और देखिए यहाँ से इसको ऐसे फंदे को ऐसे कर लिया सीधा, और ऐसे ये देखिए 2 का 1 करेंगे यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पे मैंने 2 का 1 किया तो ये जाली डाल दी, फंदा बराबर हो गए। 2, 1 और 2, 3, 4, 5, 6, भूल को अपने तरफ, और यहाँ पे इस फंदे को पलट के सीधा किया, और यहाँ पे ऐसे 2 का 1, ये देखिए। उसके बाद देखिए 1 ये हो गया, 2, 3, 4, 5, 6 फंदे बनाने के बाद भूल अपने तरफ यहाँ पे ऐसे पलट लिया, और ऐसे 2 का 1 यहाँ पे जाली डालते हुए। अब देखिए 2, 3, 4, 5 और 6, ये देखिए इस तरह से एक साइड का फंदा। यहाँ से देखिए इसको एक फंदा मैं उतार लूंगी, और देखिए यहाँ से उल्टा बुनूंगी इन फंदों को। ऐसे इसको भी ऐसे ही बुन लेंगे, ये देखिए इस तरीके से पूरी रो उल्टा बुनते हुए कंप्लीट करेंगे ऐसे। अगर आपको छोटी जाली इसमें चाहिए तो आप ऐसे इधर से बना सकते हैं। देखिए यहाँ से इधर से इस साइड से इसको थोड़ा सा लूज करके, तो यहाँ से ये छोटी जाली आ जाएगी ऐसे। मैं थोड़ा सा बड़ी चाहिए तो मैं ऐसे ही बना रही हूँ, इसको पूरा ऐसे ही कंप्लीट कर देंगे उल्टी रो। ये देखिए, आप देखिए यहाँ से एक फंदा उतार लिया, और देखिए 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7, यहाँ पे हमने 7 फंदे इस रो में बुने। भूल को अपने तरफ इसको ऐसे पलट के सीधा करेंगे, और यहाँ पे ऐसे 2 का 1 बैक लूप से, और देखिए यहाँ पे 2, 3, 4, 5, 6, ये देखिए यहाँ पे 6 ही रहेंगे। ऐसे किया और इसको पलट लिया, यहाँ पे ऐसे 2 का 1 कर दिया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इस तरीके से भूल अपने तरफ इसको पलट के ऐसे सीधा किया 2 का 1, और यहाँ पे ये सभी फंदे सीधे बुनते हुए कंप्लीट करेंगे, और उल्टी रो पूरी उल्टा बुनते हुए इसको कंप्लीट करें। अब देखिए फिर से सीधे तरफ से 1 उतार लिया 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यहाँ पे देखिए फंदे बढ़ रहे हैं इस साइड को, क्योंकि डिजाइन ये तिरछा जा रहा है। यहाँ पे 8 बनाने के बाद ऐसे 2 का 1 किया, ये देखिए। उसके बाद देखिए ये 2, 3, 4, 5, 6, उनको अपने तरफ ऐसे इस तरीके से 2 का 1 करते जाएंगे। उसके बाद देखिए 2, 3, 4, 5, 6, भूल अपने तरफ ऐसे इन फंदों को ऐसे बनाते हुए कंप्लीट करेंगे, और देखिए उल्टी रो पूरी उल्टा बुनते हुए कंप्लीट कर। ये देखिए मैं फिर से सीधे साइड आ गई हूँ, यहाँ पे 6 रो कंप्लीट हो गई, 7वीं रो है यहाँ पे। ये देखिए 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यहाँ पे देखिए 9 फंदे हो गए। भूल को अपने तरफ किया, इसको हमने ऐसे पलट के सीधा किया, यहाँ से बैक लूप से 2 का 1 ऐसे,
उसके बाद देखिए अब यहाँ पे ये दो तीन चार पाँच छः छः फंदे बनाए, उसके बाद ऐसे किया, इसको पलट लिया, ऐसे सीधा किया, यहाँ पे दो का एक कर दिया, एक दो तीन चार पाँच और छः, छः बनाने के बाद वूल अपने तरफ इसको पलट के सीधा किया, ऐसे दो का एक बैक लूप से, उसके बाद देखिए ये फंदे ऐसे बना लिए, ये देखिए इस तरह से। अब उल्टी रो पूरी उल्टी बना लेंगे, ये देखिए उल्टे तरफ से रो कंप्लीट कर ली मैंने, और देखिए आठ रो पूरी कंप्लीट हो गई। अब नौवीं रो है ये, यहाँ से तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस, ये देखिए यहाँ पे दस फंदे हो गए। बूल को अपने तरफ किया, इस फंदे को ऐसे सीधा किया इस तरह से, दो का एक किया, एक दो तीन चार पाँच छः, ये देखिए वापस बूल को अपने तरफ इस फंदे को सीधा करेंगे, दो का एक इस तरीके से, एक दो तीन चार पाँच छः, बूल को अपने तरफ यहाँ पे ऐसे दो का एक, ये देखिए, और इन फंदों को ऐसे सीधा, उल्टी रो पूरा उल्टा बुनते हुए कंप्लीट करेंगे। ये देखिए यहाँ पे मैंने 10 रो टोटल कंप्लीट कर ली हैं, और देखिए यहाँ पे एक दो तीन चार पाँच, पाँच जाली पड़ गई हैं। आप देखिए यहाँ से हमने सेकंड कलर अटैच कर लिया, एक फंदा उतारूंगी, और देखिए ये दो तीन और चार, दो चार छः और सात, यहाँ से देखिए मैंने चार फंदे बुने। अब हम फर्स्ट रो में से इसको ऐसे सिलाई डालते हुए इसको ऐसे फंदा बना के लाएंगे, फंदा इतना बड़ा बनाएंगे कि यहाँ तक खिंचा खिंचा नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा लूज रखेंगे। अगली जाली में से ऐसे ये दो, तीसरी तीन और ये चार, पांचवी जाली में से ये देखिए ऐसे मैंने पांच फंदे इसमें से बना लिए, इनको खींच के थोड़ा सा ऐसे बराबर करना है, ये देखिए इस तरह से। आप देखिए इन फंदों को वाइट से बुनेंगे ऐसे, एक दो तीन चार पाँच छः और देखिए ये सात, यहाँ पे सात फंदे मैंने बुन लिए। आप देखिए यहाँ से फर्स्ट वाली जाली में से फिर से मैं ये वाला धागा लगाऊंगी यहाँ से ऐसे, ये देखिए इतना लंबा रखेंगे जो खिंचा नहीं रहे ये वाला, ऐसे यहाँ से देख लेना है आपको, इसको फिंगर रख लेना है ऐसे, दो तीन चार और देखिए ये पांच, ऐसे पांच फंदे बनाने हैं इसमें से। अगर आपके थोड़ा सा लूज लग रहे हैं या फिर वो लग रहे हैं तो आप ऐसे खींच भी सकते हैं, थोड़ा सा इसको यहाँ से खींच लीजिए तो इस वाले में से अपने आप ये लूज हो जाएंगे। देखिए इसको खींचेंगे ऐसे तो इसमें से धागा खिंच जाएगा, ऐसे करके बराबर कर लेना है आपको, ये देखिए ऐसे। और उसके बाद देखिए यहाँ से हम बाइट से बुनेंगे, एक दो तीन चार पाँच छ सात, ये देखिए ऐसे। आप देखिए यहाँ से फिर से इस जाली में से इससे ही बनाएंगे यहाँ से, ये देखिए एक दो, तीसरी जाली में से तीन चार और पांच, ये देखिए ऐसे। आप देखिए इनको अगर लग रहा है आपको तो आप ऐसे खींचते जाइए और यहां से इनको लूज करते जाइए, ये देखिए
से लूज हो जाएंगे ये फंदे सभी। उसके बाद आपको इसको बुनना है। बराबर करने के बाद यहाँ से एक दो तीन चार पाँच छ और ये सात, और ये वाले फंदे लास्ट में इनको भी बुन लेंगे। ये देखिए इस तरह से ये डिजाइन इधर को बन जाएगी। ये देखिए ऐसे आप देखिए इसको पलट लेंगे और यहाँ से एक फंदा हम उतारेंगे और यहाँ से देखिए एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ और देखिए ये नौ, नौ फंदे मैंने इधर के बना लिए। आप देखिए ये वाले फंदे जो हैं पांच, पांचों में से ऐसे सिलाई डाल के और अगला एक फंदा बाइट का इधर से लिया और यहाँ पे ऐसे सभी फंदों का एक फंदा बना दिया। ये देखिए इस तरह से ये, उसके बाद ये वाले फंदे हम ऐसे ही बुनेंगे एक दो तीन चार पांच छह और देखिए इन पांचों में से ऐसे ये देखिए इस तरीके से ये देखिए ऐसे आ जाएंगे ये पांच फंदे। इनमें से ऐसे डाला और यहां से एक फंदा व्हाइट का लिया और ऐसे एक फंदा बुन दिया इस तरीके से। उसके बाद एक दो तीन चार पाँच छ, इधर छह फंदे बुन लिए। उसके बाद देखिए इन सभी फंदों में से ऐसे सिलाई डाल के और एक फंदा हम इस साइड से ले लेते हैं और इस तरह से एक बना लिए। इस तरह से ये देखिए इस तरह से ये डिजाइन एक कंप्लीट हो गई। देखिए बहुत ही प्यारी लगती है ये, आप किसी में भी डाल सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे एक डिजाइन ये बनके कंप्लीट हो गई। आप देखिए यहाँ से हम सेकंड डिजाइन डालेंगे तो उसके लिए देखिए यहाँ से एक फंदा उतार लिया, ये दो तीन चार पांच छह, ये देखिए यहाँ पे ये छह फंदे बुन लिए और देखिए फूल को यहाँ से अपने तरफ किया और इसको पलट लिया ऐसे दो का एक इस तरीके से। यहाँ पे जाली डालेंगे एक, आप देखिए एक दो तीन चार पांच छह, ये देखिए छह फंदे। अब ये यहाँ सेंटर में आ गए, यहाँ से ऐसे इसको किया फूल को अपने तरफ करके और यहाँ से ऐसे जाली डालते हुए, अब देखिए एक दो तीन चार पांच और छह, ये देखिए इस तरह से ये छह फंदे हो गए। यहाँ पे आप गूल को अपने तरफ करेंगे और ऐसे ये देखिए दो का एक कर देंगे ऐसे एक दो तीन चार पांच और देखिए छह, छह फिर से बच गए हमारे पास एक साइड का फंदा इस तरह से। अब यहाँ पे देखिए जिस तरह से हमने ये पांच जालियां डाली हैं उसी तरीके से यहाँ पे पांच जाली डालने के बाद इसको हम इसी तरीके से भरेंगे। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।